नाज़रीन काम, मानसून के मौसम में तूफ़ानों का आना और सैलाब का आना मामूल की बात है, लेकिन अगर इंतज़ाम अहसन तरीके से किए जाए तो नुकसान कम से कम होता है। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश ने तबाही मचाई हो। बहुत सारा पानी लोगों के घरों में दाखिल हुआ, जिससे लोगों के फर्नीचर और सामान तबाह हुए, और ख़ुसूसन इस्लामाबाद के इलाके E11, D12 और दूसरे कई इलाकों में एक तूफ़ानी बारिश आई और तूफ़ानी सैलाब आया, जिससे लोगों की करोड़ों गाड़ियाँ पानी में बह गई, मवेशी भी बह गए और लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ, जिससे नुकसान हुआ। और यहाँ पर E11 में एक बेसमेंट में पानी भर गया, जिससे 2 अफराद जहाँ बाक हुए। तो इंतज़ामिया तो कह रही है कि उन्होंने इस पर काबू पा लिया है और बारिश भी रुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये मनाजर देखें कि कितनी शदीद किस्म का तूफ़ान है और कितनी शदीद किस्म की ये बारिश और सैलाब है, जिसकी वजह से बेशुमार नुकसान हो रहा है। तो इसलिए इंतज़ामिया को चाहिए कि वो अपने वसाइल को बुरेकार लाए और इस फ्लड से आवाम को बचाएँ और ऐसा इंतज़ाम करें कि पानी जो है वो खड़ा ना हो और लोगों बीमारियाँ ना फैलने का अंदेशा भी पैदा हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये आवाज़ हुक्काम बारह तक पहुँचेगी। डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहब इस बात को मॉनिटर कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी उनसे गुजारिश है कि ये इसको बारीक बीनी के साथ इसका जायज़ा लें और लोगों के नुकसानों का अजाला किया जाए। थैंक यू वेरी मच।
पैदा था। मेट्रो आती जाती आना जाना आपको, मेट्रो आती जाती है हाँ भाई, रेल इतना तेज है। देखो नहीं गई 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 एसी चालू है और ये एसी वगैरह ले गए, शॉर्ट सर्किट ना आ जाए घर पे। सलाकर भाई ये ऊपर सीढ़ी पे आ जाए, पानी में बिल्कुल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.